Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. पटना भारतीय इतिहास में ये नगर अनेक नामों और कारणों से चर्चित रहा है। इसकी प्राचीनता का उल्लेख भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में मिलता है। ईसा पूर्व ये नगर पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। कालांतर में यही नगर पाटली, पाटलिग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पवती, पुष्पहैपुर, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथ, अजीमाबाद और पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास पर नजर डालें तो पटना कलम की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के दरबार से हुई थी। अकबर के दो दरबारी कलाकारों नोहर और मनोहर को इस कला को शुरू करने का श्रेय जाता है। इस पेंटिंग के अधिकांश कलाकार पुरुष थे, इसलिए इस कला को पुरुषों की चित्रकारी भी कहा जाता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब को दिल्ली की गद्दी सौंपी गई, लेकिन उसकी दिलचस्पी कला में बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में चितेरों ने दिल्ली दरबार से कूच करने का फैसला किया। ज्यादातर चित्रकार पहाड़ों और राजपूताना की ओर रुक कर गए। बचे खुचे बंगाल के मुर्शिदाबाद जा पहुंचे। यहाँ के नवाब मीर जाफर को कला में बेहद दिलचस्पी थी। मीर जाफर की सरपरस्ती में यहाँ चितेरों का दल खूब फला फूला, लेकिन मीर जाफर के बाद मीरन के तख्त संभालते ही यहाँ से इन चित्रकारों को एक बार फिर पलायन का दंश झेलना पड़ा। इसी क्रम में 1760 ईस्वी के आसपास प्रवासी चित्रकार राजधानी पाटलिपुत्र में बस गए। यहाँ अंग्रेजों, जमींदारों और स्थानीय राजाओं ने इन चितेरों को संरक्षण दिया। मुगल, अंग्रेजी या ब्रितानिया शैली का मिला जुला रूप पटना कलम के नाम से मशहूर हुआ। अंग्रेजी प्रभाव की वजह से इसे इंडो ब्रिटिश शैली या कंपनी शैली भी कहा गया। पटना कलम के ज्यादातर चित्रकार पटना के लोधी कटरा, मुगलपुरा, मच्छरहट्टा और नित्यानंद का कुआं और आरा और दानापुर के आसपास के इलाकों में बसे हुए थे, लिहाजा इन इलाकों में पटना कलम चित्रकला काफी फली फूली। पटना कलम के ज्यादातर चित्र कागज पर बने होते थे। कागज ज्यादातर बांस से बने होते थे। इसके अलावा कागज नेपाल से भी मंगाए जाते थे। कालांतर में इस चित्रकला के लिए सीसा, हाथी दांत, चमड़ा, धातु और अभ्रक का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। कागज, हाथी दांत और अभ्रक को चिकना बनाने के लिए इसे अकीक पत्थर से घिसा जाता था, ताकि जल रंगों का आसानी से इस पर चढ़ाव किया जा सके। पटना कलम शैली पहली ऐसी शैली थी जिसमें राजे रजवाड़े और हरम के इतर जीवन के पहलुओं को उकेरने की कोशिश की गई। यही वजह है कि इस शैली के चित्र दुनिया भर में मशहूर हुए। पटना कलम के चित्र कई विषयों पर आधारित थे। यूं तो इनकी विषय वस्तु वृहद और व्यापक है, लेकिन मोटे तौर पर इन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। धोबी, कुली, डाकिया, कसाई जैसे लोगों पर बने चित्र जिसमें पेशे का चित्रण है। सांस्कृतिक चित्र जिनमें विवाह, दाह संस्कार, नृत्य संगीत के चित्र शामिल हैं। चेहरे के चित्र जिन्हें शबीह कहा जाता था। रोजमर्रा की चीजें और स्थापत्य कला के चित्र। पशु पक्षियों और प्रकृति के चित्र। अलंकारिक सुलेख कला संबंधी चित्र। इस शैली के चित्रों की सबसे बड़ी खासियत थी इनकी सादगी। जहां मुगल काल के चित्रों में वैभव और राजसी ठाट बाट दिखाई देता था, इन चित्रों में इंसानी हाव भाव और तौर तरीकों को तवज्जो दी गई है। पटना कलम में चित्रों की पृष्ठभूमि सादी होती थी और भूदृश्यों का इस्तेमाल ना के बराबर होता था। इसकी वजह यह थी कि देखने वाला केवल विषय पर ध्यान केंद्रित कर सके। चित्रों को रंगने के लिए रंगों को प्राकृतिक तरीकों से इजाद किया जाता था, जैसे लाल रंग लाख से, सफेद रंग सीप से, काला रंग कालिक से, नीला रंग नील से इत्यादि। पटना कलम शैली अंग्रेजों के जमाने से आजादी तक खूब फूली फली।
पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार सेवकराम, हुलासलाल, दुल्लीलाल, जयराम दास, शिवदयाल लयाल रहे हैं। इन कलाकारों में ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी थे, जिन्हें इस पेंटिंग शैली का अंतिम प्रमुख कलाकार कहा जाता है। इस शैली के एक अन्य उत्कृष्ट कलाकार राधामोहन प्रसाद थे, जिन्होंने पटना कला महाविद्यालय की नींव रखी और इस चित्र शैली को जारी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये शैली समाप्त हो गई। अपनी समृद्ध विरासत और स्वर्णिम इतिहास के बावजूद पटना कलम का वजूद इतिहास से बहुत जल्द मिट गया। पटना कलम चित्र शैली के समाप्त होने की सबसे खास वजहें हैं इनके चित्रों की पुनरावृत्ति। बाद के दिनों में विदेशी सैलानियों का आवागमन कम हो गया। लिथोप्रेस की बढ़ती संख्या ने भी इन कलाकारों को प्रभावित किया। कैमरे के आविष्कार ने भी इन चित्रों की विधा पर प्रतिकूल असर डाला। हालांकि इस शैली को फिर से नया जीवन देने के लिए बिहार सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। इन प्रयासों में इस शैली के चित्रों को बचाने से लेकर नई पीढ़ी को कौशल विकास के जरिए इस कला में प्रशिक्षण देना शामिल है। पटना कलम चित्र शैली आज भी पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय पटना सिटी, चैतन्य पुस्तकालय गायघाट पटना, खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता और विक्टोरिया पैलेस कोलकाता के अलावा बिहार राज परिवारों और अन्य कला पारखियों के व्यक्तिगत संग्रहों में शामिल है। इसके अलावा ये विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में भी सुरक्षित है।